नमस्कार दोस्तों, आठवीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है। दरअसल एक शख्स बंदूक के आधार पर ही पिछले 3 महीने से एक गलत वारदात को अंजाम देता रहा है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह लहराते भी नजर आ रहा है और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गलत वारदात को अंजाम दे रहा है। यह घटना है जो आठवीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा का है और उसके मुताबिक वह पिछले 3 महीने से घटना को अंजाम दे रहा है। पूरा मामला वैशाली के महानगर परिषद क्षेत्र से निकल कर आ रही है। इस घटना का खुलासा तब हुआ है जब वह 2 महीने की गर्भवती हो गई है और उसके बाद उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था। इस घटना को लेकर किशोरी के परिजनों ने पूछताछ की है तो तब इस घटना के मामले का खुलासा हुआ है और इसके बाद महानगर थाने में एफआईआर दर्ज करवा दिया है और पुलिस ने प्राथमिकता दर्ज करते हुए उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करना शुरू कर दिया है। इस घटना के दौरान पता चला है कि उसी की सहेली ने उस आरोपी छात्र की मदद की है जिसके दौरान पिछले 3 महीने से अपने घर ले जाकर ही इस बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा था। इस घटना की रिपोर्ट तो दर्ज करवा दी गई थी लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करने के बदले अनदेखा कर रही थी। हालांकि प्राथमिकता दर्ज करने के बाद अब पुलिस एक्शन में आ गई है और उसे गिरफ्तारी करने के लिए जुट गई है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट अपनी राय जरूर दें।